नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि जो है आंतरिक रूप से खबर जो आ रही है, जो जिसके लिए ज़्यादातर जो जो कैंडिडेट्स हैं और इतना हल्ला मचा हुआ है पूरा यूपीएसआई जो रिटर्न के ऊपर जो है, उसमें कुछ की चीज़ें जो है वो आंतरिक रूप से समझ में आ रही हैं और वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। ठीक है, देखिए हुआ क्या है कि जैसे ही आपका जो है भर्ती बोर्ड को ये पता चली, और आपने पता होगा ट्विटर कैंपेनिंग जो है इसमें बहुत बड़ा रोल है ट्विटर कैंपेनिंग का, कि ट्विटर कैंपेनिंग के माध्यम से जब चीज़ों को ट्रेंडिंग कराया गया हैशटैग यूपीएसआई स्कैम करके जो था, तो उसके बाद भर्ती बोर्ड ने क्या करा, भर्ती बोर्ड ने भी एक पूरा प्रॉपर नोटिस निकाला था। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि दोस्तों है चुनाव का टाइम, ठीक है, इलेक्शन का टाइम है, तो गवर्नमेंट जो है कि वो किसी भी प्रकार से, भाई जैसे कि आपका आपका एम है दरोगा बनना, वैसी भाई जो पॉलिटिशियन है उनका भी एम यही होता है कि हम हमारी पार्टी आए जो सत्ता में। तो भाई इलेक्शन का टाइम है, तो गवर्नमेंट ने तुरंत जो है वहां पर जो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने तुरंत सरकार के संज्ञान में ये बात डाली, और उन्होंने कंपनी का जो एमडी होते हैं, ठीक है, उनको भाई तलब कर लिया कि भाई आप आ जाओ, जरा यहाँ पे आके जो भी बच्चों के मन में जो चीज़ें जो हो रही हैं, ठीक है। और देखिए ये सारी चीज़ें ना आंतरिक रूप से होती हैं, इनके लिए ढोल मंजीरे नहीं बजाए जाते। सरकार की 90% चीज़ ना जो 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 होती हैं वो आंतरिक रूप से होती हैं, इसलिए इनको आंतरिक विभागीय जाँच इसीलिए बोला जाता है कि भाई उन्होंने ये चीज़ जो है कंपनी के एमडी को जो बुलाया था, कंपनी के एमडी से क्या बात हुई इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा होगा कि भाई जो जो चीज़ें हैं ठीक आप उनका बताइए, और जितने हायर मार्क्स के नंबर हैं, इतने हायर मार्क्स हैं जो कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, भाई 155 कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप, नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, ठीक है। दुनिया में इतना भी कोई लक्की आदमी पैदा नहीं हुआ है जो 160 में से 155 जो है क्वेश्चन करके आ जाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा मार्क्स वाले जो लड़के हैं, जैसा कि मैंने इसमें कहा है कि आंतरिक विभागीय जाँच जो है वो आपका शुरुआत हो गई है, एक एसपी रैंक का अधिकारी होता है जो कि आंतरिक विभागीय जाँच का अध्यक्ष होता है, उनको सिर्फ इतना कहा गया है कि भाई आप जो है कंपनी के एमडी से मिलके और ये पता करिए कि किस तरीके से कैसे कैसे जो है वो नंबर हैं, और अगर किसी पर आपको डाउट होता है तो उसकी भी आप जांच कराइए उस लड़के की, कि कहीं से उसके ऐसे तार तो नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक। मैंने क्या बोला था, पूरी भर्ती पर क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत गलत बात है, जो गलत हैं या फिर जिन्होंने गलत तरीके से जो है ये सीट पाई है बस उनको चुन के निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी देखिए रिटर्न का रिजल्ट नहीं आया। अगर अभी वो लड़के बाहर निकल जाते हैं तो जो लड़के उस पद के लायक हैं या जो लड़के जिन जिन उनकी वजह से जिनकी सीट जा रही है वो यहां पर एंट्री ले लेंगे, ठीक, जो जायज आपका होगा। आपका जो है भर्ती बोर्ड ने तलब किया था भाई, और आंतरिक विभागीय जांच जो है वो आपकी बिठा दी गई है, इसकी वजह से जो है वो कुछ देरी, मतलब हफ्ता 10 दिन की देरी हो सकती है आपका जो रिटर्न का रिजल्ट है, ठीक। फाइनल रिजल्ट आपका, फाइनल आंसर की आपकी आ जाएगी, लेकिन रिटर्न का रिजल्ट में अभी थोड़ी सी देरी हो सकती है, और मैं ये कहता हूँ कि जल्दबाजी से देर भली, ठीक है, कि भाई थोड़ा देरी ठीक है, अगर आपका परिणाम जो है प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से बन जाए। वो देखिए इलेक्शन नहीं होता ना तो मैं मान सकता था कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इलेक्शन का समय है, और जहाँ तक मेरे जो सूत्र हैं उनके अनुसार यही है कि भाई गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा संज्ञान में, और गवर्नमेंट से ज़्यादा जो आईपीएस अधिकारी वहाँ चेयरमैन के रूप में बैठे हुए हैं ना, उनको भी डर है कि पता चले यही भर्ती ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट के समय उनको जो है जो जो है वो रिटायरमेंट से पहले ही उनको जो है विभाग से बाहर कर दे। ऐसा नहीं, हर बंदा अपनी सीट पर ईमानदारी से काम करना चाहता है, अगर कुछ बंदों की वजह से ऐसा होता है तो वो उसके लिए जांच बिठाई है आपकी। कम नंबर जिनके हैं, मैंने बार बार एक चीज़ बोली, अब इस समय क्या हो रहा है, इस समय जिन लड़कों 130 हैं, सर बहुत घबराहट हो रही है, 130 क्वेश्चन वाले लड़के मेरे से फ़ोन करके कहते हैं कि सर बहुत घबराहट हो रही है, और सर मैंने तो दौड़ लगा नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, और सर बताइए क्या हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि जनरल कैटेगरी में 95+ और आपका अदर कैटेगरी में 90+ जितने भी लड़के लड़कियां हैं सबके सब रनिंग अपनी स्टार्ट रखिए, आपकी रनिंग जनवरी में हो सकती है, ठीक है। इसकी वजह अगर होता है तो हफ्ता 10 दिन का ही रहता है, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत ही ज़्यादा लड़के हैं, वीडियो 2018 की तरह तो है नहीं कि पूरी पूरी भर्ती जो है वो समर्पित हो रखी है, ऐसा नहीं है, ठीक। आपका फाइनल फाइनल आंसर की आपकी जल्दी ही जारी हो जाएगी इस महीने के एंड तक, ठीक है, कोशिश पूरी करी जा रही है, इंटरनली रूप से ये जाँच भी है, जाँच का मतलब ये नहीं है कि इस जाँच में 6 महीने 7 महीने लगे, मुश्किल से मुश्किल 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन, इससे ज़्यादा आपका समय नहीं लगने वाला है, और उतने ही उसके बाद जो है जैसे ही क्लीन चिट आएगी या फिर जैसे ही जो है कोई कल्प्रिट पकड़ा जाएगा उनको निकाल के सीधे जेल, ठीक है, और उसके बाद जो है जो भी फिर उसके बाद जब कट ऑफ मार्क आपका जो है रिटर्न का रिजल्ट आएगा तो सीधी सी बात है कि भाई जो हायर मार्क्स वाले हैं जब वो बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा कट ऑफ भी डाउन में जाएगी,
प्लस आपका जो है जो उस सीट के लिए जायज बंदा था जिसकी वो सीट ले रहा था, भाई सीधी सी बात है, अगर कोई फ्रॉड इंसान कोई सीट लेता है तो इसका मतलब वो सीट किसी और की थी जो कि उसको मिल रही है, ठीक। तो फिर जब वो चीज़ निकल जाएगी, मतलब पूरी की पूरी भर्ती को क्लीन क्लीन तरीके से 9,534 जो वैकेंसी हैं उनमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो फ्रॉड आपका घुस जाए। गवर्नमेंट की और आपका जो है भर्ती बोर्ड की पूरी ये कोशिश रहेगी। रही बात कोर्ट कचहरी की, तो मैंने आपको बता दिया कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होना है, ठीक। और मतलब किसी को बुरी लगे तो बुरी लग जाए भाई, 2016 वाले कोर्ट कचहरी करते करते आज 5 साल हो गए हैं, नौकरी नहीं ले पाए वो, ठीक ना। जिन्होंने ट्रेनिंग कर रखी थी उनका भला हुआ, और जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं कर रखी है उनका भी भला नहीं हुआ, ठीक है। तो आप कहेंगे ये तो हमारा अधिकार ही है, वो तो आपको जाने से कोई मना नहीं कर रहा, ठीक, लेकिन पहले एकजुट तो हो जाइए, उसके बाद वहाँ पे जो है सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तक आप लड़ते रहना, उसके लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये दोस्तों न्यूज़ थी, अब बाकी जो भी अपडेशन होगा वो आपको जल्दी बताया जाएगा। धन्यवाद।